लल्लू भाई कंपाउंड की 19 बिल्डिंग को किया जाएगा रिनोवेशन। संजय दीना पाटिल से खास बातचीत। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। लल्लू भाई कंपाउंड जो कि एक घनी आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर बिल्डिंग जो है अलग अलग बिल्डिंग है, बीएमसी की है, हीरानंदानी और एमएमआरडीए की कुछ बिल्डिंग है। तो बताया जा रहा है कि 19 बिल्डिंग जो है एमएमआरडीए की उसको रिनोवेशन किया जाएगा, जिसको लेकर के उसका नारियलकरण के लिए, नारियल फोड़ने के लिए जो संजय दीना पाटिल जो स्थानिक यहाँ के मुंबई नॉर्थ ईस्ट के एमपी है वो आए थे, क्या कुछ कहा संजय दीना पाटिल ने, देखिए इस वीडियो को। नहीं नहीं, यहाँ पे जो काम शुरू हो रहा है, थोड़ा रिपेयरिंग का काम शुरू हो रहा है, उसके लिए नारियल तोड़ने का मतलब शुरुआत करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और जल्द से जल्द अभी काम शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ हमारी बहन इस विभाग की, हमारी महिला की विभाग प्रमुख है वो है, और बाकी भी सब हमारे स्थानीय नगर सेवक थे, सभी लोग हमारे, और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सभी हमारे मित्र पक्ष के भी सब लोग आए थे और स्थानीय सब रहवासी भी यहाँ आए थे। और हमने आज काम शुरू कर दिया, मतलब नारियल तोड़ दिया है, कल परसों से काम जैसा मटेरियल गिरेगा वैसा काम शुरू होगा। क्या काम होगा, मतलब इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाएगा या क्या होगा, और कितनी बिल्डिंग है रिपेयर होगी? 19 बिल्डिंग का भी शुरुआत में 19 बिल्डिंग का काम शुरू कर रहे हैं, और जो भी अभी बहुत साल हो गए बिल्डिंग बन के, और जो भी ड्रेनेज लाइन्स है, प्लास्टर है, लीकेजेस है, जो भी टूटा फूटा जो भी है, रिपेयरिंग वर्क जो बाकी था उसके लिए वो लाधिकरण है, जो जो काम जरूरी है वो सब काम अभी शुरू करेंगे। अच्छा सर, मतलब अक्सर देखा गया है कि कभी हॉस्पिटल के नाम पे नारियल फोड़ते और फिर गुलो जाते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए नारियल फूटते, सिर्फ नारियल ही फूटते, क्या यहाँ भी ऐसा देखने को मिले? मैं कभी नारियल तोड़ने के लिए जाता नहीं, इसलिए काम होने के बाद मैं हमेशा काम का उद्घाटन करने जाता हूँ, पर हमारे बहन ने और हमारे सब यहाँ के सब जो हमारे स्थानिक जो हमारे नेता मंडल नेते हैं और सभी लोगों ने विनती किया है कि बाबा ये आप शुरू कीजिए काम, आप शुरू करेंगे तो काम शुरू होगा, नहीं तो फंड आ रहा है, आता है फंड और वापस ले जाते हैं, तो आप करेंगे तो आप बराबर उनको पकड़ के रखेंगे क्या बाबा काम हो, नहीं तो बहुत बार ऐसे हुआ, अभी इलेक्शन होके रिजल्ट आके अभी 4 महीने बीत चुके, दो बार फंड आया और फिर फंड ले जाते, बोलते हैं कभी वापस चले गया है क्या, नहीं सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को देंगे, या फिर कभी लड़की बहन के इसमें वो फंड डाइवर्ट कर दिया है, अभी जो फंड दिया है वापस, अभी काम तो शुरू हो रहा है, अभी देखते हैं क्या काम अभी रहता है क्या, फंड वापस और किसी इसमें डाइवर्ट करते हैं। अच्छा सर, अभी हाल फिलहाल में जो एम ईस्ट वार्ड है उसमें 11 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ था ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, लेकिन पूरे क्षेत्र में कहीं कुछ काम नहीं हुआ, वो पैसा कहाँ गया? आपने कुछ जांच की या आपने उसी कुछ देखने की कोशिश की? हमने जो काम काम के लिए वो फंड आया था और काम हुए क्या नहीं हुए, इसके लिए हमने हमारे लोग भी उसकी जांच कर रहे हैं, और जो अधिकारी है उनको भी हमने बोला है कि हमको पूरा लिस्ट दिया जाए और हमारे लोग भी जाके उसमें करेंगे, और वरिष्ठों को भी बोला है क्या जो भी फंड आएगा वो हमको बताया जाए क्या कहाँ काम हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कितना फंड हो रहा है, हम लोग की भी निगरानी रहेगी, हम लोग वॉच रखेंगे क्या काम हो रहा है क्या नहीं होगा, पहले जो हमारे आने से पहले जो हो गया हो गया, उसमें भी हम लोग निकाल रहे हैं क्या कितना फंड हुआ क्या हुआ, बहुत से काम ऐसे है क्या सिर्फ पेपर पे है, काम हुए नहीं है बहुत से, मतलब हजारों करोड़ रुपए जो बीएमसी के आए हैं वो नगर सेवक नहीं होने के वजह से या कोई भी रूलिंग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने के वजह से वैसे लूट चल रही है, पर अभी हम लोग को होने नहीं देंगे, हम लोग का अभी वॉच है और हम लोग अभी पूरा ध्यान रखेंगे कि जो फंड आया है वो अच्छी तरह से लोगों की सेवा के लिए, लोगों के कामों के लिए खर्चा हो। अच्छा सर, बताइए, क्या बता रहे कि 19 बिल्डिंग टोटल इसको रिनोवेशन किया जाएगा, वक्त कितना लगेगा और क्या अमाउंट क्या है इसका, मतलब कितना पैसा पास हुआ इसको रिपेयर करने के लिए? नहीं, अभी तो शुरू कर रहे हैं और फंड तो लगने वाला है, फंड तो इतना ज़्यादा लगने वाला है, पर जरूरी है फंड उतना ही, अभी कुछ कारण है पर हम कोशिश करेंगे, DPDC भी मैंने रखा हूँ और बाकी जो फंड जो आना है वो हम लोग पूरा फंड जितना जरूरी है उतना फंड लेके आऊँगा और काम पूरा होगा, इसकी मैं जवाबदारी लेता हूँ। साई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लक्ष्मण जी हमारे साथ है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है इस बिल्डिंग के, और यहाँ पर उनसे बात करेंगे, अभी संजय दीना पाटिल यहाँ पर आए थे, ये पूरी सारी जानकारी लेंगे कि सर कितनी टोटल बिल्डिंग है, किस किस बिल्ड, मतलब बीएमसी की और एमएमआरडी, हीरानंदानी जो बिल्डिंग है वो टोटल 26 बिल्डिंग है,
उसमें से 6-7 बिल्डिंग BMC के हैं, बाकी सब MMRDA की बिल्डिंग है। तो एक काम बहुत दिन से बाकी था, कुछ काम पहले भी कर चुके थे लेकिन आधे पे छोड़ गए थे, कोई कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, कोई कुछ हो गया करके ऐसा आधे पे छोड़ गया। तो बिल्डिंग अभी बहुत काम पेंडिंग है, तो हम लोग फिर एसोसिएशन बना दिया, एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो MMRDA में बहुत बार उसके उनको जाना पड़ा, उनको तक हर आदमी को मिलना पड़ा, हम लोग मंत्रालय तक गए। तो उसके बाद ये अपने जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है सूर्यवंशी साहब, वो मिलकर हम लोग ये काम को आगे बढ़ा दिया। तो अभी उसकी शुरुआत तो आज आए हैं, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। इसे अभी बताइए कि अभी इसके पहले कभी ऐसा बताया कि आपने कभी कुछ हुआ नहीं था, लेकिन पहली बार अभी संजय दीना पाटिल हुआ था, लेकिन कायदे से नहीं हुआ था, कायदे से नहीं हुआ था। अच्छा, क्या उम्मीद लग रही संजय दीना पाटिल आए? नारियल तो बहुत सारे फोड़े जाते हैं, लोग नारियल फोड़ते चले जाते हैं, संजय दीना पाटिल से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या लगता है ऐसा जो नारियल फोड़ा गया उसको काम को पूरे तरीके से कम्प्लीट किया जाएगा? अभी देखो, अभी वो जो उन करना तो चाहिए, लेकिन अभी उनके ऊपर है वो कहाँ तक अभी कैसा है, वो उन्होंने देखना चाहिए कि बाबा काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई ध्यान नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सौंप देते हैं, उसके बाद कोई इधर आते नहीं, फिर कॉन्ट्रैक्टर अपना जो मनमानी करते हैं फिर और निकल जाते हैं, उनको क्या उसमें सीमेंट में या इसमें कैसा डालना चाहिए वो कुछ देखते नहीं उसके बारे में। बताया आपको कि कितना समय लगेगा, ये कब काम शुरू होगा, कितना समय लगेगा? अभी साहब इसको इसके काम की शुरुआत करने के लिए हम लोग 1-1.5 साल हो गया कि इसके पीछे पड़े, तभी ये जाकर हो रहा है। तो अभी काम होने तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 26 बिल्डिंग है, एक महीने में तो होगा नहीं। कितनी बिल्डिंग को रिन्यू करना है? अभी 19 बिल्डिंग को रिन्यू करना है। कितना फंड पास हुआ, कुछ आइडिया आपको अंदाज है? उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं सर हमको। तो मतलब मुझे अब ये बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है, कितने समय में हो जाना चाहिए? अभी तो जल्द से जल्द बारिश के पहले तो हो जाना चाहिए। लगता है आपको काम कम्प्लीट होगा? लगता तो है, अभी हम लोग की कोशिश तो है, अभी देखो आगे क्या होता है। अभी तो इलेक्शन भी आ रहा है, उसके वजह से आमदार आएंगे, खासदार आएंगे, वो तो बोलेंगे, लेकिन बाद में उसको पूरा करना चाहिए। तो साफ तरीके से यहाँ के जो चेयरमैन है इस बिल्डिंग के, ओम साई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, जो लल्लू भाई कंपाउंड में है, बता रहे हैं कि इस पूरे बिल्डिंग में अलग अलग बिल्डिंगें हैं और 19 बिल्डिंग का बताया जा रहा है कि रिनोवेशन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो बिल्डिंग का रिनोवेशन है, नारियल तो फोड़ा गया, लेकिन क्या ये नारियल फोड़ने को जो काम कार्य किया गया इसको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके पहले जिस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है इसके पहले भी रिनोवेशन के काम हुए थे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है जो अपॉइंट किए जाते हैं BMC या गवर्नमेंट की तरफ से, वो आधे काम कर करके जो है भाग जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी की नज़र नहीं होती। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़।